गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3 एंड क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्या पूछा है इस क्वेश्चन में कि ये जो नंबर्स है इनके स्क्वायर रूट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 9801। सो ये जो नंबर है इसका स्क्वायर रूट की वंस डिजिट क्या होगी आपको यहाँ ये पता करना है। सो अभी वंस डिजिट क्या है, अभी 1 है। तो अब ऐसे कौन से नंबर से हमने 0 से लेके 9 तक की डिजिट्स मैंने यहाँ राइट करी हुई है एंड इनके जो स्क्वायर्स होते हैं लाइक 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 6 इज 36, देन 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। सो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो स्क्वायर नंबर है इनमें किस नंबर में यूनिट डिजिट 1 है। तो आप देखिए 9 का जो स्क्वायर होता है यानी 81 का स्क्वायर रूट जहाँ यूनिट डिजिट 1 है उसका रूट 9 होता है, और जब 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो 1 जो है उसका रूट भी क्या होगा 1 ही होगा। तो इसके बेसिस पर हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो नंबर है 9801 जहाँ यूनिट डिजिट 1 है तो इसकी स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट भी क्या होगी, आइदर 1 और 9, 1 या 9 में से एक होगी। देन यहाँ यूनिट डिजिट 6 है, तो आपने अभी स्क्वायर जो राइट किए हैं उनमें किस नंबर में यूनिट डिजिट 6 आ रही है, आप देखिए 36, यहाँ यूनिट डिजिट 6 आती है ना। तो ये 36 किसका स्क्वायर रूट है, 6 का। 36 का स्क्वायर रूट क्या है, 6। तो आपके जो ये नंबर है जहाँ यूनिट डिजिट 6 है तो इसके स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट भी 6 ही होगी। देन सिमिलरली यहाँ भी 1 है तो इसका आंसर इसी तरह से आएगा। देन यहाँ यूनिट डिजिट 5 है, सो यूनिट डिजिट 5 होती है तो उसके स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट भी क्या होगी, बिकॉज 5 का स्क्वायर 25 होता है, जहाँ यूनिट डिजिट 5 आ रही है सो इसका स्क्वायर रूट क्या है, 5 ही है। तो यहाँ भी इस नंबर के स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट 5 ही होगी। देन क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। आपको विदाउट बिना कोई कैलकुलेशन किए ये बताना है कि इनमें से कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है अकॉर्डिंग टू द रूल। तो आप देखिए फर्स्ट है 153, यहाँ यूनिट डिजिट 3 है, और ये रूल होता है हमारा कि जब ए नंबर एंडिंग विद यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8, जब कोई नंबर 2, 3, 7 और 8 से एंड होता है जिसके लास्ट में 2, 3, 7 और 8 नंबर होते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। सो 153 यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देन यहाँ 7 है यूनिट डिजिट, तो अकॉर्डिंग टू द रूल ये भी आपकी यूनिट डिजिट नहीं है। देन 408 यहाँ यूनिट डिजिट 8 है, सो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एंड देन यहाँ यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। सो 1 है तो ये नंबर क्या है, आपका परफेक्ट स्क्वायर है, बिकॉज कौन से नंबर आने चाहिए यूनिट डिजिट में जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, तो वो नंबर होते हैं यूनिट डिजिट में 2, 3, 7 और 8। ये जो यूनिट डिजिट्स होती है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, तो यहाँ 1 है और ये परफेक्ट स्क्वायर है। देन क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। क्या करना है आपको इसमें, 100 और 169 टू क्वेश्चन हैं यहाँ जिनका आपको क्या करना है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। सो यहाँ देखिए 169 को मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इसको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से कैसे इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। सो आपको सब्ट्रैक्ट किनको करना है, आपको जो फर्स्ट ओड नंबर होते हैं उनको सब्ट्रैक्ट करते जाना है कंटिन्यूसली। लाइक 169 में से हम पहले 1 माइनस करेंगे, देन 168, अब उसमें से 3 माइनस करेंगे तो ये क्या है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, ये सारे कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स है जो स्टार्टिंग से कंटिन्यू आ रहे हैं और ये इस नंबर में से माइनस करते जा रहे हैं। देन जो सब्सिक्वेंट नंबर आ रहे हैं उनमें से फिर इसको माइनस करते जा रहे हैं, ओके। और ये हमें तब तक करना है जब तक कि जो आंसर आएगा आपका वो जीरो में कन्वर्ट नहीं हो जाए, है ना। यहाँ कौन से नंबर आएंगे जिनमें से आपको माइनस करना है, जो बिफोर नंबर है, लाइक यहाँ 165 है तो आप 165 में से आप 5 को माइनस कर रहे हैं, 160 आ रहा है, और सिमिलरली इस तरह से ये कंटिन्यू चलता जा रहा है। और लास्ट में जब 25 को हम 25 में से माइनस कर रहे हैं तो आंसर 0 आ रहा है। तो अब यह आंसर 0 आ चुका है,
तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ है। नाउ अब आपने कितने स्क्वा ओड नंबर जो हैं वो सब्ट्रैक्ट किए हैं कंटिन्यू सीक्वेंस में, तो आप देखिए 1, 3, 5, 7, 9 काउंट करते हैं इनको हम, ये कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 दीज आर 13 ओड नंबर्स। सो 13 हमने ओड नंबर्स सब्ट्रैक्ट किए हैं 169 में से। तो ये कैसे हुआ, हियर वी सब्ट्रैक्ट फर्स्ट 13 ओड नंबर्स हमने यहाँ स्टार्टिंग से, फर्स्ट क्यों राइट किया, बिकॉज ये स्टार्टिंग से 13 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स है जिनको हमने सब्ट्रैक्ट किया है। तो 169 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो समझ में आया ये किस तरह से हो रहा है, 169 में से आपने उतने कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स माइनस की जब तक कि वो आंसर जीरो में कन्वर्ट नहीं हो जाए, और फिर आपने कितने ओड नंबर्स सब्ट्रैक्ट किए हैं वो सारे आपने काउंट किए, उसके बेसिस पर आपको पता चल रहा है कि इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या है, जितनी इस उनकी काउंटिंग है, तो इसका स्क्वायर रूट 13 है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। सो कैसे होता है, मैं आपको इसका सिक्स वाला एक्सप्लेन कर रही हूँ कि 9604। सो यहाँ देखिए नोटबुक में 9604 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम इस तरह से करते हैं, यहाँ लास्ट डिजिट 4 है इवन नंबर, सो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से ये कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, तो 2 4 8 होता है ना, तो 4 देन 1 इसका इधर जाएगा, 16 बन जाएगा ये नंबर। नाउ 2 8 16 हो जाएगा, देन 0 एंड 2 2 4, देन अगेन 2 से करेंगे, सो 2 2 4, 2 4 8, 0 एंड 2 1 2। नाउ अब लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट 1 है जो ओड नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, और ये 3 से भी पॉसिबल नहीं हो रहा, ये डायरेक्ट 7 से डिवाइड होगा। तो 7 3 21 एंड देन 24 में से 21 माइनस होगा, तो 3 रिमेनिंग बचेगा, फिर ये 30 बन जाएगा। तो नाउ 7 4 28 एंड देन 30 में से 28 माइनस होगा, तो 2 रिमेनिंग बचेगा, और ये बन जाएगा 7 3 21। आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 343 आएगा। देन अगेन 7 से ही होगा, बिकॉज 343 7 का क्यूब है, तो 7 की टेबल में ये नंबर 49 टाइम्स में आएगा। देन अगेन 7 से 7 7 49, सो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ है। नाउ उसके पेयर्स क्या हैं, तो आप देखिए 9601 इसके पेयर्स 2 × 2 देन × 7 × 7 देन × 7 × 7, ये इसके नंबर्स हैं। ओके, सो अब स्क्वायर रूट में हम क्या करते हैं, 2 2 के पेयर्स बनाते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, 2² × 7² × 7² नाउ अब सबके स्क्वायर्स इनके पावर 2 है, तो इनको इस तरह से राइट करेंगे, 2 × 7 × 7 इनकी होल पावर 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2 7 7 7 49 एंड 49 2 98 होता है। सो 98 का स्क्वायर है ये नंबर, तो 9604 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, सो स्क्वायर रूट ऑफ 9601 इज 98, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, सिमिलरली इसी तरह से सारे क्वेश्चन इसमें होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेंड। क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में, कि ये जो नंबर्स गिवन है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इनको कौन से स्मॉलेस्ट होल नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जो आंसर आएगा फिर वो आंसर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सो मैं आपको इस क्वेश्चन का, सो अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 का 5th वाला समझा रही हूँ, यहाँ 1458 और इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे हम, 2 से करेंगे तो नंबर आएगा 729, देन 3 से होगा 243, देन 3 से करेंगे, सो 3 8 24 एंड 3 1 3, देन अगेन 3 से करेंगे, 3 2 6 एंड देन 2 जाएगा, 3 7 21, देन 3 से 3 9 27, देन 3 से 3 3 9 एंड देन 3 से 1, तो 1458 इसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 2 × 3 × 3 × 3 कितने टाइम्स में, 1 2 3 4 5 6 सिक्स टाइम्स में, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से राइट करेंगे। नाउ अब इनके पेयर्स बनाते हैं हम, सो 2 सिंगल टाइम्स में, तो 2 × देन 3² देन 3² मल्टीप्लाई देन मल्टीप्लाई 3² सो 3 के तो पेयर्स बन चुके हैं, बट 2 जो हैं उसके पेयर्स नहीं बने, हियर 2 हैज़ ओनली वन फैक्टर, 2 ओनली वन टाइम में है। ओके, सो हमने अभी चेक किया था 2 के ओनली वन फैक्टर्स ही हैं यहाँ, 2 हैज़ ओनली वन फैक्टर्स, सो
ये नंबर अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए हम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको टू को पेयर्स में बनाना है, तो टू इस नंबर को हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर जिससे इसको मल्टीप्लाई करना है वो क्या है, टू है। नाउ आंसर आएगा 2916। नाउ 2916 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, सो अभी जो नंबर्स है वो कम्प्लीटली पेयर्स बन जाएंगे। सो फर्स्ट क्या थे, थ्री स्क्वायर एंड थ्री स्क्वायर, एंड टू इज़ ओनली सिंगल, सो ये हो जाएगा टू स्क्वायर मल्टीप्लाई थ्री स्क्वायर एंड थ्री स्क्वायर। सो इसका आंसर क्या आएगा, टू थ्री ज़ा सिक्स, सिक्स थ्री ज़ा एटीन, एटीन थ्री ज़ा 54, 54 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर है ये नंबर, एंड देन ये स्क्वायर रूट हो जाएगा 2916, स्क्वायर रूट इसका क्या होगा, 54 हो जाएगा। सो आपको इस तरह से इक्वेशन करना है। देन क्वेश्चन नंबर सिक्स, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेंड। क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में, आपको ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम कौन से नंबर से इनको डिवाइड करेंगे कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आपको इनके भी प्राइम फैक्टर्स ही फाइंड आउट करना है। सो मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन नंबर सिक्स का सेकेंड एक्सप्लेन कर रही हूँ, जहाँ आपको 2925 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। सो प्राइम फैक्टर मेथड से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो नाउ अब ये नंबर टू से नहीं होगा, थ्री से करना होगा इसको, एंड थ्री से इस नंबर को हम जब डिवाइड करेंगे तो थ्री नाइन से 27, देन टू इधर जाएगा थ्री सेवन से 21, देन वन इधर जाएगा थ्री फाइव से 15, सो 975। देन अगेन इसको थ्री से करेंगे तो थ्री थ्री ज़ा नाइन, एंड देन थ्री टू ज़ा सिक्स, देन वन थ्री फाइव ज़ा 15, 325 आंसर आएगा। देन अगेन फाइव से करेंगे अभी इसको तो फाइव सिक्स ज़ा 30, एंड देन टू रिमेनिंग बचेगा, सो ये 25, फाइव फाइव ज़ा 25, देन फाइव से करेंगे 65, फाइव की टेबल में 13 टाइम्स में आता है, एंड देन 13 वन टाइम में। सो नाउ इस नंबर के फैक्टर्स क्या हैं, 3 × 3 × 5 × 5 × 13। सो यहाँ पेयर्स हमने बनाए 3² × 5² × 13। सो नाउ स्मॉलेस्ट होल नंबर जिससे आप इसको डिवाइड करेंगे वो नंबर वो है जो इसका जो कंप्लीट पेयर में नहीं है, 13 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सो आप इसको 13 से डिवाइड करेंगे, एंड देन डिवाइड करेंगे फिर आंसर क्या आएगा, 225। सो नाउ 225 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर, और अब इस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो इसका स्क्वायर रूट, बिकॉज आपने इसको 13 से डिवाइड कर दिया, तो अब क्या नंबर्स, अब क्या होंगे फैक्टर्स, 3² और 5² मीन्स 3 × 5 = 15 का स्क्वायर, सो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सो आपको इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में जो स्मॉलेस्ट होल नंबर था जिसके पेयर्स नहीं बन रहे थे, आप उससे उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, एंड देन वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था, और फिर उसका स्क्वायर रूट, तो सिमिलरली वो ही फैक्टर्स हैं, बस जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया उसके पेयर्स बन गए थे, एंड देन उनको आपने मल्टीप्लाई किया और इस तरह से आपको स्क्वायर रूट मिल गया। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में आपने क्या किया, जो फैक्टर्स है उसमें जो इंडिविजुअल नंबर है वो उससे आपने उस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं इसको, देन जो आंसर आ रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर है, और अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो इसका स्क्वायर रूट बाकी जो नंबर्स हैं वो उसके फैक्टर्स हो जाएंगे, और इस तरह से 15 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑफ स्कूल डोनेटेड 2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्या बोल रहे हैं कि टोटल डोनेशन जो स्टूडेंट्स ने किया है नेशनल रिलीफ फंड में वो इतना किया है, और हर स्टूडेंट ने, ईच स्टूडेंट ने उतना ही डोनेट किया है जितने क्लास में स्टूडेंट्स हैं। ओके, सो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। आपको क्या करना है कि उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज जितने स्टूडेंट हैं उतना ही पर स्टूडेंट ने, ईच स्टूडेंट ने डोनेट किया है, तो अब आपको इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, बिकॉज वो दोनों नंबर्स जितने क्लास में स्टूडेंट्स हैं एंड ईच स्टूडेंट डोनेशन अमाउंट वो सिमिलर है, सेम है, तो इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टर मेथड से, और जो स्क्वायर रूट आएगा वो आपको क्या मिल जाएगा, फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं वो फिर आपको उसके स्क्वायर रूट से फाइंड आउट हो जाएंगे।
देन सिमिलरली इज अ क्वेश्चन नंबर 8, 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेंस एज मेनी प्लांट्स इज द नंबर ऑफ रोज. सो फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो. क्या बोल रहे हैं कि गार्डन में टोटल इतने प्लांट्स प्लांट किए हैं एंड ये जो सारे टोटल प्लांट्स हैं ईच रो, हर रो में उतने ही प्लांट्स प्लांट किए हैं इज द नंबर ऑफ रोज, जितने की उस गार्डन में रोज हैं. लाइक ये गार्डन है तो इस गार्डन में जितनी रोज हैं उतने, लाइक अगर यहाँ इस गार्डन में 12 रोज हैं तो वन रो में 12 प्लांट्स ही प्लांट किए हैं. सो इसके बेसिस पर अब आपको ये पता चल रहा है कि जितनी रोज है उतने ही वन रो में प्लांट है, मीन्स सिमिलर नंबर है दोनों. तो आपको 2025 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होगा यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जिस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 में कर रहे हैं 5 और 6 में. देन प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद जो इसका आंसर आएगा वो आंसर इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, और वो स्क्वायर रूट ही आपका नंबर ऑफ रोज, रोज कितनी है एंड प्लांट्स इन ईच रो, और वन रो में कितने प्लांट्स हैं वो हैं. देन क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 4, 9 and 10. यहाँ आपको क्या करना है कि ये 4, 9 and 10 जो नंबर्स हैं ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएँ, वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर आपको फाइंड आउट करना है. सो आपको यहाँ इन नंबर्स का एलसीएम लेना है, एंड देन एलसीएम लेने के बाद जो एलसीएम आएगा उसके फैक्टर्स हमें देखने हैं, और उनके फैक्टर्स की पेयरिंग करके फिर हम उस नंबर का स्क्वायर, उस नंबर से हम उसका स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट कर लेंगे. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसा ही है. तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 अभी यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ. फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8, 5 and 20. सो ये किस तरह से होगा, तो यहाँ देखिए आपको क्या करना है, द स्मॉलेस्ट नंबर, जो स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है, एलसीएम ऑफ 8, 15 and 20, इनका एलसीएम क्या आएगा. तो मैंने यहाँ फाइंड आउट किया है कॉमन डिविजन मेथड से. सो ये इस तरह से कंप्लीट हो रहा है, एंड इनके एलसीएम के फैक्टर्स ये हैं. तो नाउ एलसीएम क्या आ रहा है, 2 × 2 × 2 × 3 × 5. सो इसका एलसीएम 120 आ रहा है. नाउ हियर 120 इज़ नॉट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यहाँ 120 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, बिकॉज 2, 3 and 5 आर नॉट कम्प्लीटली पेयर्स. क्यों नहीं है ये 120 परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज इसके जो फैक्टर्स हैं वो कम्प्लीट पेयर में नहीं, मीन्स ये तो पेयर में है, देन ये 2, 3, 5 जो है वो पेयर्स में नहीं है. तो इनको पेयर्स में बनाने के लिए हमें अगेन इनको इन्हीं नंबर से मल्टीप्लाई करना है. लाइक 2 को 2 से करना है, 3 को 3 से करना है, और 5 को 5 से करना है ना. सो टू मेक इट कम्प्लीट पेयर्स वी मल्टीप्लाई 120 बाय 2 × 3 × 5, एंड नाउ 120 मल्टीप्लाई, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 30 से, तो आंसर क्या आएगा, 3600. नाउ 3600 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो अब 3600 इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी इसका आंसर है. सो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, और इस तरह से एक्सरसाइज 6.3 भी कम्प्लीट होती है.